नमस्कार बुलेटिन को स्वागत। फटाफट क्रिकेट किए करिबो विश्वरे राजूति किए हेबो टी20 विश्वकप विजेता। आज ग्रांड फिनाले रे हेबो भारत दक्षिण आफ्रिका लड़े। ए मैच रो विजेता ही हेबो टी20 विश्वकप रो विजेता। वेस्ट इंडीज रो ब्रिज टाउन रे आज राति 8:00 रे मैच खेला जिवो। टी20 विश्वकप रे तृतीय थरो फाइनल रे प्रवेश करिछि भारत। 2007 प्रथम संस्करण रे विजेता होइथिला। 2014 रे थिला रनर्स अप। तेणु एथर फाइनाल जीति द्वितीय थरो पई ट्रॉफी हातेई बाकू चेष्टा करिवो टी। 17 वर्ष पर टी20 विश्वकप जितबार सुजोग रही भारत पाखे। आपटे टी20 फाइनाल रे प्रथम थर पर प्रवेश कर दक्षिण आफ्रिका। तेणु ट्रॉफी हतेवा लक्ष्य रे पूरा दम लगे। टी20 विश्वकप रे दक्षिण आफ्रिका और भारत 6 थर मुहांमुही होती। भारत 4 थर जीति दक्षिण आफ्रिका 2 थर। आज मैच बेस गुरुत्वपूर्ण रही भारत पर 17 वर्ष पर ट्रॉफी हतेवार लक्ष्य रही टीम इंडिया। आज टी20 विश्वकप रो मैच को अपेक्षा रही राति 8:00 जितेबले ब्रिज टाउन रे खेला जिवो वेस्ट इंडीज रो से उपरे नजर। कारण दीर्घ 17 वर्ष पर भारत पाखरे सुवर्ण सुजोग टी20 विश्वकप ट्रॉफी हतेबा पई। सेपटे दक्षिण आफ्रिका प्रथम थर पर फाइनाल रे प्रवेश करिछि। तेणु दक्षिण आफ्रिका पई भी करबा बर स्थिति। जदियो फाइनाल रो अनुभूति नाही अभिज्ञता नाही किंतु भारत सामना रे दक्षिण आफ्रिका छिड़ा होइछि फाइनाल रे प्रवेश करिछि। एवं भारत पाई मध्य सम्मानर प्रश्न। कारण आज मैच जदि भारत न जितुची ताले सुवर्ण सुजोग हुए तो नेक्स्ट केत हाथ छड़ा हो पाए। कारण आज आम देखुचे रोहित शर्मा कोहली जो मैच बेस्ट गुरुत्व रोच। कारण टी20 से अवदान आज मैच रे बेस्ट गुरुत्व र। और 2011 के बाद दोबारा से हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है भारत। एक बैलेंस टीम खेल रही है, अच्छा कर रही है, हर प्लेटफॉर्म पे अच्छा कर रही है। तो छोटे फॉर्मेट का गेम है, अच्छा करेंगे। अब मुझे जो एज ए कोच लगता है मैं उस लेवल पे क्या बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी जो अपनी सोच है मुझे लगता है कि शिवम दीबो को ड्रॉप करना चाहिए, यशस्वी को ओपन करा के विराट को 3 नंबर बैटिंग पर लाना चाहिए और लेफ्ट राइट का एक कम्बिनेशन बनेगा, एक अलग प्रेशर साउथ अफ्रीका की टीम पर होगा। बैटिंग में जैसे कि देखिए ना सभी प्लेयर अच्छा कर रहे हैं। जैसे विराट कोहली अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं तो विराट कोहली से उम्मीद रहे कम से कम फाइनल में रन बनाए। बाकी रन ना बनाना बनाना तो अलग बात है, परफॉर्म करें टीम को अच्छा स्टार्ट दें ओपन कर रहे हैं। बाकी रोहित शर्मा अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, सारे प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बॉलिंग में तो बुमराह वन मैन आर्मी चल रहे हैं। बाकी सब सारे बॉलर अच्छा कर रहे हैं, स्पिनर्स खास करके बहुत अच्छी बॉल डाल रहे हैं तो सभी से उम्मीद रहेगी। और साउथ अफ्रीका एक बहुत अच्छी टीम है, अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा साउथ अफ्रीका और इंडिया के प्लेयर्स में। देखिए सबसे बड़ी चीज अभी तक तो बहुत अच्छा खेलती आई हुई है टीम, जो कि जैसा हमें ओडीआई वर्ल्ड कप में भी देखने को मिला था कि बहुत अच्छा खेलती आई हुई है। एक छोटे से अपसेट की वजह से ओडीआई का वर्ल्ड कप हमारे हाथ से चला गया जो बिल्कुल एकदम करीब था हमारे, लेकिन हमको अच्छे से पता है कि इस बार टीम इंडिया वो गलती नहीं करेगी, वो गलती नहीं दोहराएगी जो पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में दोहराई थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो गलती नहीं दोहराएगी और मुझे बहुत ही गट फीलिंग आ रही है कि इस बार वर्ल्ड कप 13 साल बाद हमारे देश में वापस आने वाला है। टी20 वर्ल्ड कप हमारे देश में वापस आने वाला जो धोनी के समय में आया था और काफ़ी समय से आईसीसी ट्रॉफीज़ का सूखा पड़ा हुआ है हमारे देश में, वो भी इस बार हमें उम्मीद है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में और उनके जो खेल जो वो खेल खेल रहे हैं फेयरलेस खेल जो सेल्फलेस खेल जिसको कहते हैं जिस तरीके से वो खेल अपनी बैटिंग कर रहे हैं आज हमें देखने को मिलेगा। एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिलेगा आज और बहुत ही अच्छा राइवलरी जो इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच होगा। और साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी बॉलिंग अटैक है उनकी, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन हमारी टीम इंडिया कर रही होगी, बहुत मेहनत कर रही होगी। थोड़ा बस बारिश ने बाधा डाले जिसकी वजह से मैच में कोई खलबली ना हो, जैसी उम्मीद जताई जा रही है कि उस समय तक मौसम थोड़ा गड़बड़ हो सकता है जहां पे मैच है बारबाडोस में फाइनल है उसका। और उम्मीद जताई जा रही है कि वहां पे शायद वेदर जो है वहां पे 80% बारिश का दिखा रहा है, तो उम्मीद हमें मुझे यही है कि फाइनल है। फाइनल हमें वो फाइनल अगर पूरा हो और समय से हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में। जैसे कि कल हमारे जो कल सेमीफाइनल मैच हुआ वो हमको देखने में पूरा समझिए कि आप 2 बज गया वो मैच खत्म होते होते जिसकी वजह से इंतजार करते करते। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि टाइम से मैच शुरू हो और एक अच्छा मैच देखने को मिले। और ये भी पूरी आशा रखता हूं अपने भारतवासियों से कि कोई भी टीवी छोड़ के नहीं हटेगा जितने भी जहां भी आज मैच एकदम मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो मैच होगा वो भारत जीतेगा ही जीतेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। यही उम्मीद है कि इस बार इंडिया जीत जानी चाहिए। जो जिस तरीके से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मतलब खेला है का परफॉर्मेंस देख के बहुत अच्छा लगा मेरे को।
और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इस बार इंडिया ही जीते। यस, ट्रॉफी कई सालों से अपने पास नहीं है। जी जी, यही उम्मीद है कि इस बार इंडिया की इंडिया इस बार हमारे लिए ट्रॉफी लेकर आए और हमारा भी नाम रोशन करे भारत का। किस प्लेयर से ज्यादा उम्मीद है आपको? विराट कोहली और रोहित शर्मा। जिस तरह से भारत का फॉर्म चल रहा है और रोहित शर्मा का, उस तरह से लग रहा है कि भारत एक अच्छा स्कोर खड़ा करेगा और दक्षिण अफ्रीका को हार का सामना करना पड़ेगा। मैच है, उसमें किससे ज्यादा उम्मीदें लग रही हैं? रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला चलेगा फाइनल में।